देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिर्फ थर्ड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए नहीं है। जैसे कि ये टॉपिक पढ़ना है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पाँच प्रकार के जो ब्रांच है इसी ब्रांच के स्टूडेंट को ये टॉपिक पढ़ना है। यहाँ से कुल मिला के 16 से 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। तो कुल मिलाकर 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। तो तीन क्वेश्चन आपको, 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलेगा और 3 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में मिलेगा। तो 2 रहेगा 4-4 नंबर का, 8 नंबर हो गया, और 1 रहेगा आपको 6 मार्क्स का। तो हो गया कितना, 8, 6, 14, और इधर 2 ऑब्जेक्टिव पूछा तो 16 होगा, 4 ऑब्जेक्टिव पूछा तो 18 मार्क्स का हो जाएगा। तो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, ये 5 प्रकार के जो ब्रांच है इसी स्टूडेंट को पढ़ना है। सिविल और मैकेनिकल के जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें ये टॉपिक पढ़ना नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें बेसिक बताते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो अक्टूबर में एग्जाम देंगे जो स्टूडेंट्स उनके लिए है, लेकिन जो दिसंबर में एग्जाम देंगे उनके लिए हम कुछ ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम लिख सकते हैं लाप्लास, लाप्लास को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एल लाप्लास एफ टी। अगर एफ टी कोई फंक्शन है तो इस फंक्शन का लाप्लास हो जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में रिप्रेजेंट करने के लिए पूछ देता है, इसलिए लिखिएगा एल मीन्स लाप्लास, एफ टी मीन्स कोई फंक्शन है। ये होता है स्टूडेंट 0 से इन्फिनिटी ई पे पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। लिमिट कहाँ, 0 से इन्फिनिटी ही रहेगा हमेशा लाप्लास में, ई पे पावर माइनस एस टी ही रहेगा, और जिस जो फंक्शन यहाँ लिखा है वही फंक्शन यहाँ पे लिखना इंटू डी टी। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है ऐसा करके। अब यहाँ से हम डायरेक्ट देखिए, सबसे पहले फार्मूला बताते हैं, फार्मूले में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव। कुछ फार्मूला है इसका, याद है आप लोग को, भूल गए। अब ये पूछते हैं लाप्लास वन, इसका क्या होगा, वन का लाप्लास वन बटे एस, इसका वो कोई नंबर है अल्जेब्रिक नंबर है, ये हो जाता है वन बटे एस। अगर हम वन के प्लस पे टू रखेंगे तो क्या होगा, टू बटे एस। थ्री देंगे तो थ्री बटे एस, ये एस है इसको फाइव नहीं समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं लाप्लास टी पे पावर एन, ना टी टी पे पावर एन है, इसका लाप्लास क्या होता है, याद है आप लोग को, एन का फैक्टोरियल बाय एस पे पावर एन प्लस वन। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख दूं कि लाप्लास टी पे पावर थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल बाय एस पे पावर 4, टी पे पावर जितना रहेगा ना वही उसका फैक्टोरियल हो जाता है। तो ये 1 कहां से आया, 1 आया टी पे पावर, अगर हम 0 ले तो 0 का फैक्टोरियल अब बाय एस पे पावर कितना, 0 से 1 अधिक 1, तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, और 1 बटा एस, तो किसी भी नंबर पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 ही ना, इसलिए डायरेक्ट हम यहां 1 लेके बदलाएं। ये 1 का मतलब है टी पे पावर 0 है, और टी पे पावर 0 का होता है 0 का फैक्टोरियल बाय एस पे पावर 1, इसीलिए डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछेगा टी पे पावर 0 नहीं 1 लेके। अगला देखिए लाप्लास ई पे पावर प्लस ए टी, ये सब फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा से कॉन्सेप्ट समझना है। e पे पावर ए टी का क्या होता है, याद है 1 अपॉन एस माइनस ए। अगर e पे पावर प्लस ए टी है, t का कोफिशियंट देखना है, अगर e पे पावर 4 ए टी दे दें तो ये हो जाएगा 1 बटे एस माइनस 4, ये एग्जांपल है, समझते जाइएगा आसानी से। फोर्थ नंबर देखिए लाप्लास e पे पावर माइनस ए टी दे दे, इसका क्या होगा 1 अपॉन एस प्लस ए, यानी ई पे पावर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर ई पे पावर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा।
एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसके बदले में, एग्जांपल लाप्लास e पे पावर माइनस 3t देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन s प्लस 3। ये सब फार्मूला है। फिफ्थ नोट देखिए, लाप्लास sin a t इसका क्या होगा, याद है क्या? हाँ याद, a upon s square plus a square, यानी एग्जांपल में हम ले ले लाप्लास sin 4t, तो क्या लिखेंगे 4 by a के प्लस में 4 है तो 4 by s square plus 16, चार के स्क्वायर 16 लिखें होगा। 6 नंबर देखिए, लाप्लास cos a t, इसको क्या लिखेंगे s ऊपर में ना, s square plus a square के जाने दो। अब देखिए इसका एग्जांपल लाप्लास cos 3t, इसको क्या लिख सकते हैं s by s square plus 9। एक चीज आपको दिक्कत होगा sin और cos में, sin में देखिए ऊपर में a लिखते हैं और cos में ऊपर s लिखते हैं, नीचे वाला दोनों में सेम है लेकिन ऊपर वाला चेंजिंग हो रहा है, तो साइन में ए टी है ना, याद रखने के लिए ट्रिक, ठीक है, ये सब कुछ नियम नहीं है। साइन में देखिए एस है ना, तो याद रखने के लिए सोचिएगा अगर यहाँ एस है तो यहाँ एस नहीं, यहाँ पर ए हो जाएगा, अगर यहाँ पे कॉस है तो इसमें एस नहीं है कहीं, यहाँ पे एस ऊपर में दीजिएगा। ये बात जो बतलाए कि ये कोई लिखा हुआ किताब में नहीं है, ये नियम नहीं है, याद रखने के लिए अपना लॉजिक है। चलिए 7 नंबर, ये इसको कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अब लाप्लास यहाँ लिख देते हैं साइन एच ए टी, चाहे साइन के एंगल में एच आ जाए उसको कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। ये हमारा हो जाएगा वही चीज जो यहाँ पे लिखे, वही चीज यहाँ लिखना है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस अंतर क्या होगा माइनस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखे एग्जांपल में लाप्लास साइन फाइव एच फाइव टी टी रहेगा ही, टी इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से टी से रिप्रेजेंट किया ना, ये हो जाएगा आपको 5 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 25। और एक और लास्ट 8 नंबर, लाप्लास कॉस एच ए टी ना, ये हो जाएगा हमारा एस अपॉन, ये एस है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एग्जाम्पल लीजिए इसका, लाप्लास cos h 3t, ये हो जाएगा हमारा s अपॉन s स्क्वायर माइनस 9। ये कुल मिला के 8 फार्मूला है जहां से एग्जाम में आपको 2 फार्मूला पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, और जब ये याद रखिएगा तो इसी से रिलेटेड आपका सब्जेक्टिव भी सॉल्व होगा। ये फॉर्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, याद कर लेना अच्छा से। चार वो टाइप पढ़ाएंगे इसमें, और चार टाइप में ही क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में। पहला टाइप का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स इसी वीडियो में बता सकते हैं, टाइप नंबर 5 क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं स्टूडेंट्स। कहता है कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लैंग्वेज में लिखा रहेगा फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, पहला क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t इंटू कॉस टी। देखिए क्वेश्चन हमारा ये साइन 2t इंटू कॉस टी, इसका लाप्लास निकालना है। लाप्लास निकालने के लिए ध्यान रखिएगा
कि सभी जितना भी हमारा क्वेश्चन है ना वो प्लस या माइनस के रूप में होना चाहिए, लेकिन ये इनटू के रूप में इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स तो लिखेंगे लाप्लास साइन, यही है सिंपल लिखने का तरीका, यही स्टाइल है, कैपिटल एल ये वाला ब्रैकेट देना है और जितना फंक्शन है उसको इसमें लिख दीजिए साइन टू टी इंटू कॉस टी। अब सबसे पहले क्या करना है इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो साइन टू टी इंटू कॉस टी है ना इसमें फार्मूला यूज करेंगे, इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट इस तरह से, सबसे पहले लिख लेंगे चूंकि साइन टू टी इंटू कॉस टी बराबर इसको टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर लिए फार्मूला बनेगा साइन ए इंटू कॉस बी का, बड़े थे ना इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू साइन टू टी इंटू कॉस टी, टू से मल्टीप्लाई किए तो टू से क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे तो वन बाय टू ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या साइन ए प्लस बी अब प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए के प्लस पे टू टी है बी के प्लस पे टी जिसको हम लिखेंगे साइन टू अब प्लस वन यानी थ्री टी अब प्लस का चिन्ह साइन टू टी माइनस टी यानी टी, अब देखिए अलग अलग हो गया इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन टू टी इंटू कॉस टी बराबर लाप्लास ये पूरा तो वन बटा टू ये हो जाएगा साइन थ्री टी प्लस साइन टी, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं देना है ये देना, अब देखिए वन बाई टू बाहर आ जाएगा और साइन थ्री टी का लाप्लास फॉर्मूला याद रखिए क्या है साइन थ्री टी का भी जस्ट फॉर्मूला लिखे थे ना उसका क्या होता है साइन थ्री टी जैसे साइन ए टी ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वहां पर थ्री है तो हो जाएगा थ्री बटे एस स्क्वायर प्लस नाइन प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस है साइन टी तो टी का कोफिशिएंट वन है तो यहाँ हो जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, आगे मान है सोल्यूशन कर सकते हैं नहीं तो यही छोड़ दीजिए समझे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए लाप्लास लाप्लास कॉस टी कॉस टू टी और कॉस थ्री टी कॉस टी कॉस टू टी इंटू कॉस थ्री टी पूछने का होगा तो क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर देखिए कॉस ए कॉस बी कॉस सी के रूप में आया है हम इसको क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि कॉस टी इंटू कॉस टू टी इंटू कॉस थ्री टी इसको टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करेंगे टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करेंगे सबसे पहले इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन तब लाप्लास में रखते हैं ठीक है, लिखेंगे वन बटे टू टू से डिवाइड और इस तीन को फंक्शन में से कोई एक दो फंक्शन को ही ब्रैकेट में रखिए और एक को बाहर कर लीजिए मतलब इस दोनों को रखते हैं यहाँ पे टू कॉस टी टू कॉस टू टी और बाहर में लिखते हैं कॉस थ्री टी क्योंकि तीन फंक्शन को एक साथ फार्मूला में यूज करके प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा वन बटा टू। अब टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी अब प्लस कॉस ए माइनस बी का, जब कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो दो कॉस तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है, बड़े वाले एंगल को पहले लिख दीजिए यहाँ पे और छोटा एंगल को बाहर बाद में। अब फॉर्मूला बनेगा यहाँ से कॉस टू प्लस वन यानी थ्री टी अब प्लस कॉस टी इंटू कॉस थ्री टी, अब क्या करना है ये cos 3t को इस ब्रैकेट को तोड़ के आपस में सबको मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 1 बटे 2 और ब्रैकेट के अंदर cos 3t into cos 3t क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 3t क्या हो जाएगा, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos 3t into cos t 1 by 2 स्क्वायर के रूप में कॉस साइन कुछ नहीं होना चाहिए हमेशा साइन और कॉस में पावर वन होना चाहिए, तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा कि वन प्लस कॉस कॉस एक्स बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बटे टू, अगर मैं बात करूं यहाँ पे वन प्लस कॉस सिक्स एक्स का ये फॉर्मूला हमेशा जो एंगल है इसको टू से डिवाइड कर दिया जाता है तो वन प्लस कॉस सिक्स एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 6x बटे 2 तो क्या हो जाएगा 3x, अगर ये वाला 2 हम इधर लाएंगे तो बटा में 2 हो जाएगा यहाँ खत्म यानी cos
स्क्वायर 3x के बदले में क्या लिख सकते हैं 1 plus cos 6x / 2। तो यहां पे भी देखिए cos स्क्वायर 3t है ना, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं 1 plus cos 6t / 2 प्लस बच्ची फिर इसको cos 3t into cos t 1/2। अब देखिए ये जो फार्मूला है फिर है cos a into cos b के रूप में, इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब पूरे को, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड, ये पहले से 1/2 था तो हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 1/4 और ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 into 1 plus cos 6t / 2 plus 2 cos 3t into cos t, 2 से यहां ये कट जाएगा, हो जाएगा 1/4 1 plus cos 6t plus ये फार्मूला cos 3 plus 1 यानी 4t plus cos 3 minus 1t यानी 2t। अब देखिए सब लिनियरिटी के रूप में आ गया अलग-अलग, अब इसमें हम लाप्लास लगा सकते हैं, कई दिक्कत तो पूछिए यहां तक क्योंकि आप लाप्लास लगाने वाले हैं, दिक्कत हो तुमने बोल रही है यहां लाप्लास लगा देंगे, इसीलिए लाप्लास 1/4 ये है 1 plus cos 6t plus cos 4t plus cos 2t, आंसर लिखिए 1/4 यहां पे 1 का 1/s plus cos 6t का बोलो जोर से बोले खत्म कम से कम वो आवाज आएगा क्या कहेगा बच्चा सही पढ़ रहा है, ये हो जाएगा s / s स्क्वायर + 16 आइए बस हो गई। तो ज्यादा कैलकुलेशन कहां करना पड़ा, ये जो है ना cos t cos 2t cos 3t इसको तोड़ करके ना प्लस के रूप में लाना, अलग-अलग कर देना, यहीं पे थोड़ा टाइम लगा नहीं तो लाप्लास तो तुरंत ही निकल जाता क्या। चलो इसको मिटाएंगे, सर सेकंड बोलिए क्या कहां पे दिखा सेकंड थर्ड ये वाला लाइन फोर्थ कॉलम फोर्थ कॉलम ये ये कैसे हुआ। अब हम इसको क्या किए, इसको हम क्या किए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए यहां, तो 2 से डिवाइड 1/4 ये 2 से मल्टीप्लाई ये भी 2 से मल्टीप्लाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो 2 और 2 कट जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा 1 plus cos 6x 60 plus इसका फार्मूला cos a into cos b का, तो cos a plus b अब plus cos a minus b, समझ गए आगे फिर इसका लाप्लास टाइम का क्वेश्चन नंबर 3 लाप्लास इधर दिया e पे पावर 2t 4t पे पावर 3 minus 5 sin 3t plus 7 cos 2t। अब देखिए कुछ इजी क्वेश्चन पे पढ़ लेना है आपको, काहे पता है कि हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार आए, लॉकडाउन है तेरा पढ़ेगा पढ़ाई नहीं होगा बच्चा इसलिए ये पूछ देगा, इसलिए आप हार्ड हार्ड पढ़ लो पता चलेगा कि ये पूछ दिया, इसलिए तुम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पढ़ के चाहिए। जैसे एएसएम का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, बच्चा लोग एकदम एसएससी का इतना था मोटा बुक पढ़ के गया था, वहां क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला पूछ दिया, अब बच्चा कैलकुलेशन कर रहा है वैसा क्वेश्चन बनाया है आ रहा है
जैसे रेलवे का क्वेश्चन थी, बैंकिंग का क्वेश्चन कैसा रहता है, पर जितना क्वेश्चन रहेगा सब लगेगा बन जाएगा मैथ का, लेकिन कैलकुलेशन। तो देखिए उसी प्रकार का बहुत इजी क्वेश्चन है, ये लाप्लास ऐसे कर दे दिया है ना, तो बस इसको अलग अलग कर लीजिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखिए अलग अलग कैसे किया जाता है। देखिए लाप्लास e पे पावर 2t प्लस ये फोर कॉन्स्टेंट है ना, बाहर कर लो, लाप्लास t पे पावर 3 माइनस 5 को बाहर कर लो माइनस 5 लाप्लास साइन 3t प्लस 7 भी बाहर कर लो लाप्लास cos 2t, इसका क्या होगा बताइए, 1 बटे s माइनस 2 ना प्लस 4 इसका 3 का s पावर वेरी गुड माइनस 5 इसका 3 बटे s स्क्वायर प्लस इसका s स्क्वायर प्लस, कैलकुलेशन कर दीजिए आपका ये आंसर 2 लाइन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4th ये शायद लास्ट होगा इस टाइप का, लाप्लास 3 cos 5t माइनस 4 sin 4t, डायरेक्ट अलग अलग कर सकते हैं इसको, लाप्लास ये 3 बाहर कर लीजिए, ये एल जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो cos 5t और माइनस 4 लाप्लास sin 4t क्या हो जाएगा, ये बताइए s बटे 25 माइनस 4 इसका 4 बाय s स्क्वायर प्लस, आंसर कैलकुलेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 15 बटे s स्क्वायर प्लस 25 माइनस 16 बटे s स्क्वायर प्लस 16, यहां भी छोटी गलत नंबर मिलेगा, नहीं बहुत क्या करता है इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देता है। एक क्वेश्चन देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा लेकिन बता देते हैं, हो सकता है जेडी एग्जाम में, इधर गया साइन लाप्लास साइन एच क्यू 2t, ठीक है, इसको आप चाहिए तो दो नियम से बना सकते हैं। पहला नियम बताता हूं, एक फॉर्मूला होता है हाइपरबोलिक फंक्शन का, इसको मिटा लेते हैं, फॉर्मूला है उसको पहले लिख लीजिएगा, इसके लिए नहीं है, नोट में लिख लीजिएगा अलग से, फॉर्मूला होता है साइन, पहले कॉस का लिखता हूं, कॉस एक्स कॉस ए टी, टी के लिए नहीं लिखते, कॉस कॉस एक्स का हाइपरबोलिक में एक्स देनी है, हाइपरबोलिक हो जाएगा सिर्फ कॉस के लिए, कॉस एक्स के लिए हो जाता है e पे पावर एक्स, देखना तो गलती भी करते हैं, e पावर माइनस एक्स बटे एक फॉर्मूला है लिखा है कॉस ए टी है, देखिए फॉर्मूला है स्टूडेंट्स कॉस ए टी, कॉस AT हो इसका फॉर्मूला होता है आई में आयोटा में कि e पे पावर आई ए टी माइनस e पे पावर आई ए टी बटे 2, और साइन में लिखेंगे साइन ए टी का ये हो जाएगा e पे पावर आई ए टी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा e पे पावर माइनस आई ए टी बटे 2 आई, ये देखिए त्रिकोणमिति का फंक्शन है, इसको अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन करना है एक्सपोनेंशियल के रूप में, तो फार्मूला होता है cos at बराबर e पे पावर i at प्लस e पे पावर माइनस i at, अब sin at बराबर होता है e पे पावर i at माइनस e पे पावर माइनस
आई इंटीग्रेटेड टू आई, और एक होता हाइपरबोलिक का cos h a t, इसमें आई खत्म हो जाता है, ये हो जाएगा e पे पावर a t प्लस e पे पावर माइनस a t बटी टू, और साइन h a t बराबर होगा e पे पावर a t माइनस e पे पावर माइनस a t बटी टू, इसमें आई नहीं होता है। तो ये देखिए फॉर्मूला स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में चेंज करते जितना होता है हाइपरबोलिक के h लग जाए बस i खत्म हो जाएगा, और नीचे में देखो इसमें i है इसमें i नहीं है क्योंकि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन को हम इस नियम से भी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखा होगा आपको, इसको इसका फोटो ले लीजिए, ये लिख लीजिए अपने पास। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है साइन एच क्यू टू टी, तो लिखेंगे क्योंकि वी नो डेट साइन एच ए टी बराबर क्या होता है, ई पे पावर ए टी माइनस ई पे पावर माइनस ए टी बटे टू, इसीलिए साइन एच क्यू टू टी बराबर जहां पर a है वहां पे 2 पुट करेंगे, sin h a t बराबर ये फार्मूला, होल क्यू है जिसका होल क्यू कर देंगे, जहां पर a है वहां पे 2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा e पे पावर 2t माइनस e पे पावर माइनस 2t बाय 2 का होल क्यू, होल क्यू करेंगे तो 1 बटा 8 बाहर हो जाएगा, a माइनस b का होल क्यू क्या होता है, a क्यू माइनस b क्यू n होता है, तो इसको लिखेंगे ए क्यू मतलब e पे पावर 6t माइनस e पे पावर माइनस 6t, और a माइनस b का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इन फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर माइनस 3a स्क्वायर b, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा e पे पावर 4t इनटू e पे पावर माइनस 2t, फिर प्लस का चिन्ह देंगे यहाँ हो जाएगा 3 इनटू a इनटू b स्क्वायर, तो e पे पावर 2t इनटू e पे पावर माइनस 4t, इतना होगा। इस फॉर्मूला को मिटाओ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से जाते हैं 1 बटे 8 e पे पावर 6t माइनस ई पावर माइनस 60 माइनस 3 इंटू, अब देखिए ई पे पावर 40 और ई पे पावर माइनस 20, तो इंटू में क्या होता है पावर जुड़ता है लेकिन एक पे प्लस एक पे माइनस घट जाएगा, यहाँ से ई पे पावर 20 बचेगा प्लस 3 इंटू ई पे पावर 20, यहाँ है ई पे पावर माइनस 4 यहाँ भी माइनस होगा से ई पे पावर बचेगा माइनस 20, तो सब देखो अलग अलग हो गया, इसीलिए लाप्लास लाप्लास साइन एच क्यू टू टी बराबर लाप्लास इतना 1 बटे 8 को बाहर कर लीजिए, सबको लिख लो e पे पावर 60 माइनस e पे पावर माइनस 60 माइनस 3 e पे पावर 2t प्लस 3 e पे पावर माइनस 2t, सबका लाप्लास अलग अलग कर लीजिए 1 बटा 8 एक ही साथ निकाल देता हूँ, e पे पावर 60 का लाप्लास क्या होगा 1 अपॉन s माइनस 6, चलिए इसका बोलिए s प्लस 6, ये सब s है इसको 5 नहीं समझना, e पे पावर प्लस हो तो माइनस होता है e पे पावर माइनस हो तो प्लस हो जाता है, मैंने पहले ही बता दिए थे माइनस 3 इंटू 1 बाय s माइनस 2, फिर प्लस का चिन्ह 3 इंटू 1 अपॉन s प्लस 2,
आप चाहे तो इसका कैलकुलेशन आगे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर हो ही गया। इसको और आगे करेंगे तो क्या होगा, 1/8 ये यहाँ हो जाएगा s प्लस 6, ये यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस s प्लस 6 बाय s स्क्वायर माइनस 36 होगा। और ये इसका हो जाएगा दोनों में है ये माइनस 3 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका s प्लस 2 माइनस s प्लस 2 बाय s स्क्वायर माइनस 4। आगे कैलकुलेशन करने का मन है तो आगे और कर लीजिए, ऐसे कट जाएगा इसमें भी कट जाएगा, नहीं तो आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकती हो एग्जाम में।